वेलकम बैक टू द माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और अभी हो रहे हैं शाम के 4:30, वैसे तो हम लेट हो गए हैं, अभी काफ़ी काम करना है जो बाकी पड़ा है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या हो गया है और क्या क्या रह गया है। तो ये है मेरा रूम, जो कि आपने देखा ही होगा वीडियोज़ में। तो यहाँ पे अभी तो मैंने पुरानी बेडशीट भी छा ली है, क्योंकि मैंने नई जो है ऑर्डर की हुई है अमेज़ोन से, जो कि अभी तक आई नहीं है। मुझे लगा था आ जाएगी, बट अभी तक आई नहीं है। तो चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। एक बार मैं यहाँ से दिखा देती हूँ आपको रूम। तो ये तो मेरा कंबल पड़ा है, जो कि मैंने रात को यूज़ करना है। और ये है दूसरा रूम। तो यहाँ पर जो बेडशीट है वो नई वाली बिछा दी गई है, बट मैंने दो ही ऑर्डर की थी, एक इस वाले रूम के लिए, एक उस वाले रूम के लिए, मेरे वाले रूम के लिए यानी के। तो दो डबल बेड की जो बेडशीट होती है वो ऑर्डर की थी, जो कि अभी तक आई नहीं है। देखते हैं कब तक आती है। और अभी मंदिर का वहाँ पे पूरी डेकोरेशन बाकी है, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, जो मैं अभी स्टार्ट करूँगी। और ये है दिवाली का सामान, जो कि रखा हुआ है, जो थोड़ी देर बाद निकालेंगे हम लोग। और जो इस वाले बेड के लिए, तो मैं बेडशीट एक न्यू ले ही आई थी, तो जो मैंने यहाँ पे बिछा दी है। और ये रखे हैं दिवाली के लिए दिए पानी में भिगो के, जिनको अभी मैं निकाल के यहाँ पे सुखा दूंगी, ताकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। और मम्मी को दिखाती हूँ, मम्मी बना रही है फूलों से माला। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मम्मी क्या कर रही है। आ गया अभिनव। एक सेकंड, ये बैठी है। दादी को दिखाया नहीं था? दादी को कहाँ दिखाया, दादी ने, दादी फूलों की माला बना रही है बैठी। अच्छा, ये देखो जो कि हम, हाँ ठीक है, पता कहाँ से मिला? दादू का दोस्त है ना, यहाँ पे मम्मी बना रही है फूलों से माला, जो कि हम अभी यूज करेंगे मंदिर की डेकोरेशन के लिए। तो आपने देख लिया होगा कि मम्मी बना रही है फूलों की माला। तो जो डेकोरेशन है वो सिर्फ अभी जो रूम्स के डोर के ऊपर ही की हुई है, ये देखिए। ये किचन है, इस साइड ये वाला किचन है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अभी सिर्फ जो डेकोरेशन है वो रूम के डोर के ऊपर ही की हुई है, बाकी कहीं अभी कुछ भी नहीं किया है। अभी मंदिर की सजावट भी बाकी है, अभी रंगोली भी बनानी है, दिए वगैरह भी अभी सुखाने, जैसे पानी में भिगो रखे हैं, तो सारा काम बाकी है अभी। तो वो मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी वीडियो में। तो अभिनव गया हुआ है अभी फूल तोड़ने के लिए, थोड़े और फूल चाहिए माला वगैरह के लिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, फूल हमारे खेत में ही लगे हुए हैं घर के पीछे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कहाँ से वो फूल तोड़ रहा है। तो इस साइड है हमारे खेत। कहाँ है अभिनव, किस साइड तोड़ रहा है? इस साइड से आऊँ, यहाँ से? ये यहाँ पे पालक लगाई है, अभी उगी नहीं है, थोड़ी थोड़ी उगी है अभी। टोकरी भर भी ली? आपको पता है कितना फास्ट काम करता है आपका बेटा। फास्ट काम करता है, वहां से तो इस वाले पे अच्छे नहीं है, वो वाले पे ज्यादा अच्छे हैं। अरे छोटी टोकरी लेके आया, चल कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे इसमें, आ जाएंगे और आ जाएंगे इसमें। हाँ तोड़ लो तोड़ लो। और चाहिए? सारे खेत के ले आए, चल बना दो बैठ के आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम हमारा, और उसके बाद ही मैं तैयार होऊंगी अपना पूजा वगैरह के लिए। तो सबसे पहले मैं दिए को जो सुखा देती हूँ,
तो चलिए अभी ना दिए सुखा यहाँ पे आके, जल्दी ये दिए सुखा यहाँ आके, इनको ऐसे निकाल निकाल के ना ऐसे लाइन में लगा दे इसके आगे के लाइन, जल्दी कर वहां बैठ के कर। जो भी डेकोरेशन करनी थी वो मैंने कर ली, ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी बहुत की है क्योंकि लेट हो रहे थे, और तैयार भी मैं हो गई हूँ। और ये जो कुर्ता है ये मम्मी ने लाके दिया मुझे, और क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि रेड ही डालना है आज, तो मैंने कहा मेरे पास रेड नहीं है, तो मम्मी ने ये वाला मुझे आज ही ला के दिया जो मैंने डाला हुआ है। और बस अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, उसके बाद पूजा करने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी। तो पहले हम पूजा कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गए हैं, उसके बाद मैं आपको सारा दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं पूजा करने के लिए। Thank you.
है।